आपका एक फैशन स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है, मतलब दाढ़ी वाड़ी एकदम सही किया हुआ, और मतलब कभी कभी मैं देखता हूँ आप हाफ स्लीव कुर्ता पहनते हैं, ज़्यादा करके हाफ स्लीव कुर्ता पहनते हैं, तो ये जो फैशन, ये जो है, ये जो आपकी जो शेविंग और ये सब, क्या ये मतलब फैशन जो है ये आपने खुद ने किया है या आपने किसी आप को? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जैसे मैं बहुत स्ट्रीक हूँ, गुस्सा करता हूँ, ये जो एक छवि बनाई गई है, वैसे दूसरी छवि मेरे मेरे इन कपड़ों की दुनिया को लेकर के बनाई गई है। दरअसल क्या है, मैं छोटी बैग में मेरी ज़िंदगी थी और मैं जी ट्रैवलिंग करता रहता था, जी आपने बताया झोले में आप। और तो मैं देखता था कि एक तो मैं कपड़े खुद धोता था, सीएम बना तब तक मैं कपड़े खुद धोया हूँ, ओके कभी मैंने कपड़े, तो फिर मैंने कैसे सोचा कि लंबी बाहें रखता हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा धोना पड़ता है, दूसरा ओ दूसरा मेरे बैग में वो जगह ज़्यादा लेता है, तो मैंने खुद नहीं काट दिया अच्छा वो जगह ज्यादा लेता है इसलिए आपने था, इसको उसको मैंने काट दिया था। ओके अब वो बात वो फैशन पर गया जी। ये बात सही है कि मैं ढंग से रहना, ये मेरी प्रकृति थी। शायद एक कारण ये भी था कि गरीबी के कारण कभी कभी इन्फेरियरिटी फील होती थी लोगों के बीच में, तो उसको ओवरकम करने के लिए शायद साइकोलॉजी पढ़ी होगी बचपन में, ऐसा मुझे लगता है। तो ओके मैं क्या करता था, अब हमारे घर में वो प्रेस करने के लिए तो कुछ था नहीं, तो मैं ये बर्तन का जो लोटा रहता है उसमें कोयला भर देता था, गर्म कोयला, और उसी से सही कपड़ों सही को प्रेस करता था हाँ और पहन के जाता था। लेकिन जूते नहीं थे, तो मेरे एक मामा एक दिन आए घर पे, तो पता नहीं उनका मन कर गया तो उन्होंने मेरे लिए जूते ला दिए, तो एक कैनवास के सफ़ेद जूते आए ना, जी हाँ छोटे से, बस आज उस समय तो 8-10 रुपये मिलते होंगे, वो ले आए। मैंने देखा थोड़े दिन में तो वो गंदे होना शुरू हो गए, तो मैं क्या करता था, क्लासरूम में सब बच्चे चले जाते थे, मैं रुका रहता था, और टीचर जो ब्लैक बोर्ड पे लिखता है ना, तो बाद में जो छोटा चॉकस्टिक का टुकड़ा रह जाता है वो ऐसे ही फेंक देता हाँ 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 है, हाँ तो मैं उसको इकट्ठा करता था, वो चॉकस्टिक के टुकड़े वो ले आता था, और हर दिन सुबह चॉकस्टिक जूतों पे लगा देता था, हाँ, समझिए और समझिए डेली ये आप मैंने कई बार इसको आपसे मिला हूँ। आप घड़ी जो है वो अभी तो आपने सही पहनी हुई है लेकिन घड़ी आप ज़्यादा करके ऐसे पहनते हो। घड़ी में सही पहनता हूँ, क्योंकि मुझे मीटिंगों में बैठना पड़ता है ना, हाँ तो मैं नहीं चाहता हूँ किसी को पता चले कि मैं ऐसे घड़ी देख रहा हूँ, उसको इंसल्ट फील होता है जी। अच्छा तो मैं उसके सम्मान के लिए हमेशा कॉन्शियस रहता हूँ कि ऐसे चोरी छुपे से घड़ी देख लेता हूँ। आप कोई बैठा है बात कर रहा है और घड़ी देखते हैं, तो मतलब कि आप उसको इशारा करो कि बहुत हो गया जाओ। तो आप ऐसे रखते हो हाँ, तो ये मेरे मन में ऐसा है कि ये किसी का एक प्रकार के हिडन वे में मतलब बहुत उस माइन्यूटली आप लेकिन आप मानते हो मैंने आपको ऑब्जर्व किया कि आप घड़ी उल्टी पहनते हो। मैं देखा था कई आपने कई सही बार देखा आपने कि देखा आप घड़ी उल्टी पहन के आपने सही और देखा।